हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फिलहाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई थी एक हफ्ते पहले, तो तब से लेकर अब तक जो हूँ मैं बेड रेस्ट पे था, तो आज थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहा था, चल पा रहा हूँ। तो सोचा जब तक राइड नहीं कर पा रहा हूँ तब तक बाइक का एक छोटा सा काम है वो करवा लेता हूँ। और वो क्या काम है, पहले तो यार मेरी धनों से मिल लो। ये रही अपनी कम से कम एक हफ्ता, मतलब जब मैंने कोई लास्ट वीडियो अपलोड की थी ना तब मैं इसको यहीं रख गया था इस वाले घर पे, तो आज आया हूँ और बिल्कुल फिट एंड फाइन है। पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी का आज मुझे एक काम करवाना है। मुझे क्या करवाना है पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस। जब मैं कन्याकुमारी की राइड पे था ना तो 7000 किलोमीटर की वो राइड थी। राइड करते टाइम तो नहीं मुझे कुछ पता लगा, लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे एक चीज़ फील हुई और वो हुआ कि मेरी जो दोनों आर्म्स हैं इनमें पेन होना शुरू हो गया और अभी तक भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसका जो ये हैंडल है ना गाइस, इसको थोड़ा सा ऊँचा होना चाहिए था। वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग राइड जैसे 7000 किलोमीटर की मैंने बात की, तो इसका मैंने चेक किया है, सर्च किया है, तो या तो इसका हैंडल बार चेंज करवा लीजिए या कुछ राइज़र आता है राइज़र, तो उसे 1 या 1.5 इंच जो है हाइट इंक्रीज़ हो जाती है हैंडल बार की। तो आज मैं वही करवाने जा रहा हूँ, तो देखता हूँ कितना कंफर्ट मिलता है उसको लगाने के बाद। तो राइज़र लगाने से पहले का ये जो आप अभी देख रहे हैं, तो इसके बीच में यहाँ इसके बीच में ये कितना सा पीस ऐड हो जाएगा वही लगने के बाद ही पता लगेगा क्या है। तो कम से कम इतना, और इतने से पीस के बाद वो राइजर के बाद ये वाला हैंडल उसके ऊपर लगेगा तो हाइट इतनी हो जाएगी। तो ये करवाना ज़रूरी है अगर लॉन्ग राइड्स करनी है और आर्म्स पेन से बचना है। तो चलते हैं गाइस, बाकी बातें करते हैं बाइक पर। तो जैसे ही घर से निकला तो पेट्रोल ने भी साइन दे दिया कि बम्प पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो इस बार मैंने अपने माइक की जो पोजीशन है ना हेलमेट के अंदर वो भी मैंने चेंज की है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता था, खड़खड़ की आवाज़ ज़्यादा आती थी, तो मैंने बिल्कुल चेंज कर दी है। तो अगर आप अभी मेरा साउंड सुन रहे हैं, वॉइस सुन रहे हैं, तो बताइएगा कमेंट करके कि किस तरह की आपको सुनाई दे रही है। मतलब कि ठीक है, यहीं पे रखूं। और बाइक की स्पीड जो है मेरी अभी 60 की स्पीड पे चल रही है बाइक, लेकिन पहले से मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है वॉइस क्वालिटी को लेकर। माइक मेरा वही है, Boya M1। बाइक चाहे जो भी हो लेकिन ऐसी रोड मिल जाए ना खुली खुली तो बाइक राइड करने का मज़ा आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ। सच में मध्य प्रदेश कभी भी जाओगे ना वहाँ की रोड्स देखना, इतनी खुली खुली चौड़ी चौड़ी, मतलब कि मज़ा आ जाता है। एक तो ट्रैफिक नहीं होता तो कुछ, और साइड पे सीन भी कुछ ऐसा ही मिलेगा व्यू आपको, दूर दूर तक कोई नहीं, ट्रक वगैरह खड़े होंगे या फिर बीच बीच में होटल वगैरह मिलते रहेंगे, ढाबे। तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ सेक्टर 21 चंडीगढ़। तो वहीं पर राइजर लगेगा मेरे इस बाइक के लिए। इस साइड बाइक चलाने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर का क्या सिस्टम हो रखा है, सुबह शाम इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मतलब कि रज़ाई लेके सोना पड़ रहा है, और दोपहर में गर्मी लग रही है, तो इसी चक्कर में मैं ये जैकेट पहन आया, क्योंकि घर पे था तो ठंड लग रही थी, मुझे लगा बाहर भी ठंड होगी, काफ़ी टाइम बाद निकला मैं घर से बाहर, तो नहीं ऐसा नहीं है, बाहर गर्मी है पर इतनी भी नहीं लग रही, पर है गर्मी, लेकिन शाम तक काफ़ी ठंडा मौसम हो जाएगा और सुबह भी। चंडीगढ़ में मैं एंटर हो चुका हूँ और आज जहाँ मैं जा रहा हूँ जिस शॉप पे, वहाँ पे मैं पहली बार लेके जा रहा हूँ जावा। तो पहले कभी कॉलेज टाइम में मेरे पास CBZ या Yamaha RX 100 हुआ करता था, तो मैं वहाँ मॉडिफिकेशन करवाने जाया करता था, तो एक कैट आइज आई थी तब यामा के लिए स्पेशल, तो मैंने वहाँ से इंस्टॉल करवाई थी। और आज जावा के लिए मैं वहीं जा रहा हूँ, वर्मा ऑटो के नेम से है शॉप, और मेन यही शॉप है चंडीगढ़ में बाइक मॉडिफिकेशंस को लेकर, और द थम्पर्स कैफ़े भी। लेकिन जितना सामान यहाँ मिलता है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ और कहीं नहीं मिलता। तो 1-1.5 हफ्ते के बाद जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ काफ़ी मज़ा सा आ रहा है, फ्रेश सा लग रहा है यार, मतलब कि ऐसा लग रहा है मैं नया काम कर रहा हूँ आज मैं। तो इस वक्त पता लग रहा है गर्मी क्या है, लाइट्स पे खड़ना पड़ रहा, और
इतना ट्रैफिक है ना यार चंडीगढ़ में भी। तो ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड अरोमा होटल है, काफ़ी फेमस प्लेस है ये चंडीगढ़ में। और अगर सीधा चले जाएंगे तो बस स्टैंड आ जाएगा 17 का, और यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है 21 सेक्टर के लिए, जहाँ मुझे ये राइज़र लगवाना अपने बाइक के लिए। राइज़र भी दो तरह के होते हैं, एक इंक्लाइंड और एक स्ट्रेट, तो मुझे स्ट्रेट लगवाना है। और उसका भी मैंने एक्चुअली काफ़ी सर्च किया, तो इंक्लाइंड के लिए जो है थोड़ा आपको जो आपकी वायरिंग को हेर फेर करना पड़ता है, और उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही तामझाम है, तो इसलिए मैं स्ट्रेट प्रेफर कर रहा हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ, बस शॉप की ओर ही जा रहा हूँ। फोन भी बच पड़ा है मेरा। तो ये देख ही रहे हैं कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ बाइक एक्सेसरीज की, काफ़ी सारे बाइक्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस आपने बाइक खड़ी है, और ये है शॉप जहाँ मैं अभी आया हूँ। सारा सामान मिलता है यहाँ पे, बाइक एक्सेसरीज, ये देख लीजिए काफ़ी बाइक्स पे मॉडिफिकेशन हो रही है। तो गाइस ये है हैंडल बार जो आप देख रहे हैं जावा 42 2.1 के लिए, अगर हैंडल चेंज करवाना है, नहीं तो ये बार आता है, राइज़र आते हैं सच, जिसके लिए मैं आया था हैंडल राइज़र। तो सर कह रहे हैं ये ज़्यादा परफेक्ट है हैंडल चेंज करवाना, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये इसे यूज़ करके देखूँगा, अगर ये सही बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में ये चेंज करवा लूँगा। तो ये चारों नट खुलेंगे एक एक करके। ठीक है, अच्छा हाँ आओ दिखाया, और जरा दिखाया सी उन्होंने हैंडल जो दिखाया सी उन्होंने ब्लैक कलर का, हाँ बीच बीच रोड सी, पर मैं सोचा पहले टेस्ट कर लेना, जे सही बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो वो लवा लाँगा थोड़े को। तो गाइस यहाँ पर जो है नट बोल्ट लगे हैं राइज़र के, और ये जो दो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे हैंडल लगेंगे, हैंडल के नट लगेंगे। तो सामने हार्ले, क्या साउंड है। तो इस वक्त बाइक मेरे हाथों में है और राइज़र लग चुका है, थोड़ा टेस्टिंग कर रहा हूँ, और काफ़ी फर्क पड़ा है यार। लेकिन इस पे हाथ बैठने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक दो दिन का, जिस तरह से ये लगा हुआ है अब काफ़ी ऊंचा ऊंचा सा हो गया है। पेमेंट हो चुकी है और अब सन्नी सर को कहते हैं अलविदा, थैंक यू सर। तो इन हैंडल राइजर से काफ़ी फ़र्क पड़ गया, हाथ थोड़ी जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी ऊपर आ गई है, मतलब एक से थोड़ा ज़्यादा ही समझिए इतने इंच का फ़र्क पड़ चुका है, और अब ऐसा लगा जैसे कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट कोई बाइक चला रहा हूँ। पहले हल्का सा बैंड होना पड़ता था, लेकिन अब बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ना इनमें क्या हुआ है, मेरे जो साइड मिरर्स थे ना वो बहुत बढ़िया तरह से, बल्कि व्यू नज़र आ रहा पीछे का, और सैडलिंग करने में भी काफ़ी ईजी लगेगा अब, क्योंकि हैंडल ऊपर हो चुके हैं, और मज़ा सा आ रहा है राइड करते हुए। तो राइड करते अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस चीज़ का आदत नहीं है अभी। हैंडल थोड़ा नीचे था, अब काफ़ी ऊपर हो गया है, मतलब खुद फील कर पा रहा हूँ मैं। चलो थोड़ी देर में सेटिंग दो, सेटिंग हो ही जाएगी, बैठ ही जाएगा हाथों में। तो जब मेरे पास 500 cc बुलेट था तो एम ऐसा लगता था जैसे राजा था रोड्स का, और छाती चौड़ी करके ऐसे बुलेट चलाया करता था। तो आज बिल्कुल सेम वैसी फीलिंग सी आ रही है। तो मेरे आगे एक वाइट कलर का ओल्ड मॉडल जावा चला हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो हैंडल बार राइज़र है ये कितना बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं, और राइड किस तरह की हो रही है, तो ये सब कुछ शेयर करूँगा आपके साथ, लेकिन कुछ दिनों के बाद, ताकि मैं कुछ राइड्स कर लूँ और
जान पाऊँ कि ये कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऑफ रोडिंग पे कैसा दे रहे हैं, प्लेन रोड पे कैसा दे रहे हैं। अभी तो बिल्कुल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है राइड करते हुए, लेकिन आदत नहीं है, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो थोड़ी डल जाएगी थोड़े दिनों में। तो अच्छा लग रहा है, ऊंचा ऊंचा सा लग रहा है, बस ये है। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। और ये जो मैंने पेंट करवाया ये भी सूख गया है राइजर्स पे, हाँ बिल्कुल सूख गया, और कुछ इस तरह से नज़र आता है राइज़र जो आप देख रहे हैं। इतनी हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है, पहले ये हैंडल जो था वो यहाँ था नीचे इसके ऊपर, और ये हाइट इंक्रीज़ कर रहा है इस चीज़ को, मतलब इतनी हाइट, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो आगे से कुछ लुक ऐसे है, बाइक अभी टेढ़ा है तो साइड स्टैंड पे तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो गाइस इसमें टोटल जो खर्च आया है वो मुझे आया 650 रुपये के जो राइज़र थे, स्ट्रेट राइज़र, क्योंकि इसमें दो तरह के होते हैं, एक इंक्लाइन और एक स्ट्रेट। तो ये मैंने स्ट्रेट लगवाए हैं, तो 800 मैं टोटल देकर आया हूँ, जिसमें 650 इसका प्राइस है, 50 रुपये लेबर और 100 रुपया मैंने इसको पेंट होने के लिए जो दिए एक्स्ट्रा, ब्लैक कलर का जो पेंट करवाया है, तो टोटल 800 रुपीज़ लगे हैं मुझे। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचते, मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।